बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन के पास उस समय बड़ा हादसा होते होते टल गया जब अचानक मालगाड़ी के सामने सांड पटरी पर आ गया। इस दौरान हादसे के चलते मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया, जिसके चलते करीब 4 घंटे तक दिल्ली रोहतक रेल मार्ग प्रभावित रहा। घटना की सूचना मिलने पर रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई में जुट गए। इस मार्ग पर हादसा होने के चलते 2 यात्री ट्रेन तय समय से देरी से चली, जबकि पंजाब मेल का रूट डायवर्ट करना पड़ा। स्टेशन प्रबंधन की माने तो हादसा करीब रात 3 बजे हुआ, जब दिल्ली जा रही मालगाड़ी नाहरा नाहरी रोड फ्लाईओवर के पास हादसे का शिकार हो गई और एक डब्बा पटरी से उतर गया। बड़े स्टेशन से डाउन की एक एमटी मालगाड़ी 3 बजे के लगभग स्टेशन से पास हो रही थी, तो फ्लाईओवर के नजदीक एक सांड आ गया, जिसके कारण एक वैगन रेल हो गया, जिसे हमने 6:30 बजे उठा दिया और ट्रेन का परिचालन चालू कर दिया। कितनी ट्रेनें प्रभावित हुई थी सर इसकी वजह से? हमने एक फिरोजपुर से चलकर मुंबई जाने वाली 1 PRC 15 जामेर को ड्राइवर किया है, एक पैसेंजर लगभग 2 घंटे देरी से आई हुई दिल्ली जाने वाली, बाकी गाड़ियां सभी चालू हुई। रेलवे ट्रैक को कितना नुकसान हुआ सर? नुकसान के लिए तो अभी कुछ अनुमान लगाना मुश्किल है। अभी जा रही है ठीक करने का काम? ट्रैक चालू हो गया, ट्रैक चालू हो गया। सर वो ड्राइवर कहाँ से करी वैसे गाड़ी? पंजाब में? पंजाब में ड्राइवर किए। कौन से रूट से? रात 3 बजे हुए इस हादसे के बाद 4 घंटे बाद रेलवे ने वापस मालगाड़ी के डब्बे को पटरी पर चढ़ाकर जोड़ा, जिसके बाद दिल्ली रोहतक मार्ग पर दोबारा ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया। मालगाड़ी बेपटरी होने की वजह से 2 पैसेंजर ट्रेन अपने निर्धारित समय से देरी से चली, जिनमें से एक रोहतक दिल्ली EMU पैसेंजर ट्रेन है। वहीं राजधानी दिल्ली की ओर जाने वाली पंजाब मेल एक्सप्रेस ट्रेन का रूट भी इस हादसे की वजह से बदलना पड़ा। मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण यात्रियों को भी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रेलवे स्टेशन पर ही यात्री अपनी ट्रेनों का इंतजार करते दिखाई दिए। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।